इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट पाने के लिए इस बेल के आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज 15 को डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सभी प्रश्न हिंदी में होने चाहिए, तो इसलिए हमारी आज की इस वीडियो में सभी प्रश्न हिंदी में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर एक से। हमारा प्रश्न नंबर एक है, पेटेंट की शुरुआत किस शताब्दी में हो गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 15वीं, दूसरा 16वीं, तीसरा 17वीं और चौथा है 18वीं। तो इसका उत्तर है 15वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर दो, बौद्धिक संपदा क्या होती है। हमारे ऑप्शंस हैं पुस्तकें, दूसरा है सभी पठनीय सामग्री, तीसरा है बुद्धि संगत ज्ञान और चौथा ऑप्शन है हमारा मनुष्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन दो, सभी पठनीय सामग्री। प्रश्न नंबर तीन, क्या बौद्धिक संपदा का क्रय तथा विक्रय संभव है। हमारे ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है क्रय संभव है विक्रय नहीं, तीसरा ऑप्शन है हाँ क्रय तथा विक्रय दोनों संभव है, चौथा ऑप्शन है हमारा विक्रय संभव है क्रय नहीं। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन थ्री, हाँ क्रय तथा विक्रय दोनों ही संभव है। प्रश्न नंबर चार, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार जो ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर आधारित है, सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन एक है हमारा 1850 में, ऑप्शन दो है हमारा 1856 में, तीसरा ऑप्शन है 1858 में, चौथा ऑप्शन है 1980 में। इसका उत्तर है ऑप्शन दो, 1856 में। प्रश्न नंबर पाँच, पेटेंट सूचना प्रणाली का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं देहरादून में, ऑप्शन दो बेंगलोर, ऑप्शन तीन नागपुर, ऑप्शन चार चेन्नई। हमारा उत्तर है ऑप्शन तीन, नागपुर में। प्रश्न नंबर छः, भारत में पेटेंट बिल कब पारित हुआ। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन वन 1950 में, ऑप्शन टू 1956 में, ऑप्शन थ्री 1958 में, ऑप्शन फोर 1970 में। इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन फोर, 1970 में। प्रश्न नंबर सात, किसी कृति रचना पर कृतिकार का अधिकार होता है तो उस अधिकार को किस नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन वन प्रतिलिपिया अधिकार, ऑप्शन टू बौद्धिक संपदा अधिकार, ऑप्शन थ्री पेटेंट अधिकार, ऑप्शन फोर या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन वन प्रतिलिपिया अधिकार यानी कि कॉपीराइट। प्रश्न नंबर आठ, स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रतिलिपिया अधिकार अधिनियम किस साल पारित किया गया। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक 1950 में, ऑप्शन दो 1953 में, ऑप्शन तीन 1957 में, ऑप्शन फोर 1954 में। हमारा उत्तर है ऑप्शन तीन, 1957 में। प्रश्न नंबर नौ, पेटेंट की अवधि जमा करवाने की तारीख से कितने साल तक की होती है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक 20, ऑप्शन दो 25, ऑप्शन तीन 30, ऑप्शन चार 35। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन दो, 25 साल। प्रश्न नंबर 10, कॉपीराइट की समय सीमा कितने साल निर्धारित की गई। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक 40, ऑप्शन दो 50, ऑप्शन तीन 60, ऑप्शन चार 70। हमारा उत्तर है ऑप्शन तीन, 60 साल। प्रश्न नंबर 11, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनियम
विनिमय क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन एक पुस्तकालय नेटवर्किंग, ऑप्शन दो संसाधन सहभागिता, ऑप्शन तीन परिसंचरण सेवा, ऑप्शन चार अंतर पुस्तकालय ऋण। हमारा उत्तर है ऑप्शन चार अंतर पुस्तकालय ऋण, IILL यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन। प्रश्न नंबर 12। एक विद्यालय पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलने की आप आशा नहीं कर सकते? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑप्शन दो पुस्तकें, ऑप्शन तीन मानचित्र, ऑप्शन चार शोध प्रतिवेदन। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन चार शोध प्रतिवेदन। प्रश्न नंबर 13। निम्न में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक बाबर, ऑप्शन दो हुमायूं, ऑप्शन तीन अकबर, ऑप्शन चार औरंगजेब। हमारा उत्तर है ऑप्शन दो हुमायूं। प्रश्न नंबर 14। पुस्तकालयों के माध्यम से इनमें से कौन से लोग अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं अशिक्षित, ऑप्शन दो सूचना विहीन, ऑप्शन तीन नौकरी पेशा, या फिर ऑप्शन चार ये सभी। हमारा उत्तर है ऑप्शन चार ये सभी। प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन से व्यक्ति समाज को सही दिशा में नहीं ले जा सकते? हमारे ऑप्शंस हैं अशिक्षित, ऑप्शन दो सूचना विहीन, ऑप्शन तीन अपने परिवेश से कटे, या फिर ऑप्शन चार ये सभी। हमारा उत्तर है ऑप्शन चार ये सभी। प्रश्न नंबर 16। पुस्तकालय सलाहकार समिति 1958 के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं केपी सिन्हा, ऑप्शन दो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन तीन बीएस केशवन, ऑप्शन चार डॉक्टर एस आर रंगनाथन। हमारे उत्तर है ऑप्शन एक केपी सिन्हा। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से अल्पकालीन व दीर्घकालीन सेवाएं क्या होती हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक समाचार पत्र सेवा, ऑप्शन दो संदर्भ सेवा, ऑप्शन तीन आदान प्रदान सेवा, ऑप्शन चार ऑनलाइन सेवा। हमारा उत्तर है ऑप्शन दो संदर्भ सेवा। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस वस्तु या सेवा द्वारा पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक सीडी, ऑप्शन दो डीवीडी, ऑप्शन तीन संदर्भ सेवा, ऑप्शन चार स्टाफ के द्वारा। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन तीन संदर्भ सेवा। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक एक कला, ऑप्शन दो कला और विज्ञान दोनों, ऑप्शन तीन सिर्फ विज्ञान, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन दो कला और विज्ञान दोनों। प्रश्न नंबर 20। लाइब्रेरियनशिप में पहला स्कूल मेलविन ड्यूवी द्वारा कब प्रारंभ किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक 1876 में, ऑप्शन दो 1880 में, ऑप्शन तीन 1887 में, ऑप्शन चार 1902 में। हमारा उत्तर है ऑप्शन तीन 1887। ये 5 जनवरी 1887 को शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 21। सार्वजनिक पुस्तकालय निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक प्रजातंत्र, ऑप्शन दो तानाशाही, ऑप्शन तीन नौकरशाही, ऑप्शन चार धक्काशाही। हमारा उत्तर है ऑप्शन एक प्रजातंत्र। प्रश्न नंबर 22। किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय प्रतिकर वित्त का एक साधन होता है? ऑप्शन हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन दो महाविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन तीन विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन चार नेशनल लाइब्रेरी। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन एक
सार्वजनिक पुस्तकालय। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किस प्रकार के पुस्तकालयों में ज्यादा प्रकार के पुस्तकालय यूजर्स होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन एक सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन दो महाविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन तीन विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन चार नेशनल लाइब्रेरी। हमारा उत्तर है ऑप्शन एक सार्वजनिक पुस्तकालय। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तकालय विस्तार की गतिविधि है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन एक रद्दी विक्री, ऑप्शन दो फाइन, ऑप्शन तीन पुस्तक प्रदर्शनी, ऑप्शन चार ओपेक। हमारा उत्तर है ऑप्शन तीन पुस्तक प्रदर्शनी। प्रश्न नंबर 25, सार्वजनिक पुस्तकालय को मैनिफेस्टो किसके द्वारा जारी किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस एक यूनेस्को, ऑप्शन दो इफ्ला, ऑप्शन तीन आईएलए, ऑप्शन चार एफआईडी। हमारा उत्तर है ऑप्शन एक यूनेस्को द्वारा। प्रश्न नंबर 26, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की सभी गतिविधियां किससे संबंधित हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, पुस्तकों से, ऑप्शन दो ज्ञान से, ऑप्शन तीन कंप्यूटर से, ऑप्शन चार सूचना से। हमारा उत्तर है ऑप्शन चार सूचना से। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से संसाधन सहभागिता किस क्षेत्र में संभव नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है पुस्तकालय सामग्री में, दूसरा पुस्तकालय कार्यों में, तीसरा पुस्तकालय के पाठकों में, चौथा पुस्तकालय उपकरणों में। हमारा उत्तर है ऑप्शन तीन पुस्तकालय के पाठकों में। प्रश्न नंबर 28, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन एक शिकागो में, ऑप्शन दो वाशिंगटन में, ऑप्शन तीन फिलाडेल्फिया में, या फिर ऑप्शन चार न्यूयॉर्क में। हमारा उत्तर है ऑप्शन एक शिकागो में। प्रश्न नंबर 29, पुस्तकालय वर्गीकरण में किस विधि का प्रयोग करते समय हाइफन का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन एक विषय विधि, ऑप्शन दो वर्णानुक्रम विधि, तीसरा है कालक्रम विधि, चौथा है अध्यारोपण विधि। हमारा उत्तर है ऑप्शन चार अध्यारोपण विधि। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पाने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।